इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट बाकी मुल्क की तुलना में थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि शायद किसी दूसरे टेस्ट मैच में हम लोग मौसम के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पिच के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पलक झपकते चीज़ें बदलती हैं। और हमने ये देखा है, रोहित शर्मा ने जब टॉस जीता तो उनको लगा कि ओवरकास्ट कंडीशन रहेगा, पहले 2 घंटे रहा, भारत ने विकेट भी लिए, लेकिन उसके बाद पिच फ्लैट हो गई, धूप आई, दूसरे दिन लग रहा था कि धूप है और मदद नहीं मिलेगी, तो वहाँ भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, तीसरे दिन लग रहा था भारतीय बल्लेबाज एकदम नहीं टिक पाएंगे, वहाँ पर टिका जिंका रहा ने और सब लोगों ने, तो चौथे दिन शनिवार को मौसम क्या रहेगा, पिच क्या रहेगी। देखिए मौसम की अगर आप बात करें तो शनिवार को यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की संभावना है दिन के बाद बारिश आने की, लेकिन अगर बारिश आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अरे बारिश आएगी तो ड्रॉ हो जाएगा, हाँ बच जाएंगे, नहीं बचेंगे आप इस मैच में। देखिए आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि छठे दिन टेस्ट मैच जाएगा या नहीं जाएगा। छठे दिन टेस्ट मैच उसी हालत में जाएगा उस अगर बारिश के चलते चौथे और पाँचवें दिन ओवर पूरे नहीं हुए, ओवर घटे हुए हैं, ओवर बचे हुए हैं, और इंडिया का ओवर रेट बहुत स्लो है, इंडिया ऑलरेडी पीछे चल रही है, तो उसकी भरपाई अगर आप चौथे या पाँचवें दिन नहीं कर पाएँ तब छठे दिन जाएगा। और छठे दिन ऐसा नहीं है कि भाई पूरा छठे दिन का मैच होगा 90 ओवर का, जितने ओवर घटे मसलन मान लीजिए, सपोज़ कीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 ओवर चौथे दिन और आप पीछे रह गए, मेकअप नहीं कर पाएँ और बारिश हो गई, बारिश से अफेक्टेड हो गए, और पाँचवें दिन जो है उस दिन भी 10 ओवर आपके चले जाते हैं, तो 20 ओवर अगर बच जाते हैं तो वो 20 ओवर का खेल होगा, ऐसा नहीं कि पूरे दिन। बहुत सारे लोगों को दिमाग लग रहा है कि छठे दिन का टेस्ट मैच है, 6 दिन का टेस्ट मैच है, 6 दिन का टेस्ट मैच प्रावधान है, रिजर्व डे है, तो रिजर्व डे का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन खेल होगा, 6 दिन का ये टेस्ट मैच नहीं होगा टेस्ट मैच। और अगर ओवर पूरे हो जाते हैं, ICC के एक अधिकारी से हमारी बात हुई कि भाई अगर 5-10 ओवर की बात है तो क्या कीजिएगा, मान ले सपोज़ कीजिए कि भाई पाँचवें दिन के खेल में या चौथे दिन में तो चलिए वो पाँचवें दिन एडजस्ट करना चाहते हैं, पाँचवें दिन अगर 10-15 ओवर कम रहे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई रोशनी इंग्लैंड में रहती है तो उसको कोशिश की जाती है कि 5 ओवर या 10 ओवर अगर एक्सटेंड हो सकता है तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा, ऐसा नहीं कि 5-8 ओवर के लिए छठे दिन का खेल आएगा, हर कोई चाहता है कि मैच जो है पाँचवें दिन। तो कुल मिलाकर जो टेस्ट मैच दिख रहा है 3 दिन तक एक तरह से देखा जाए, अगर आप न्यूट्रल हैं तो परफेक्ट टेस्ट मैच रहा है, न्यूट्रल होने के लिहाज से कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि टीम इंडिया जो है मौसम से परेशान नहीं होगी। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, पिच का बाउंस जो है वो थोड़ा सा उछाल है, लेकिन अच्छी बात है कि ये सब कॉन्टिनेंट की तरह नहीं है, मतलब इंडिया की तरह नहीं है, अगर इंडिया में ऐसी उछाल रहती ऊपर नीचे वाली तो टीमें परेशान होती है, धड़धड़ा के विकेट गिरते हैं, धड़धड़ा के विकेट गिरने वाला ये जगह नहीं है, विकेट गिर रहे हैं एक आध ऑड बॉल, तो अगर आप सहने को चोट सहने को तैयार हैं, ब्रेव हैं, जो शार्दुल ठाकुर और अजिंक्य रहाणे थे आसान नहीं था, इवन जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भी जो रन बनाए हैं उनको भी तकलीफ आई है बाउंस से, तो अगर टेस्ट क्रिकेट तो इसीलिए टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है ना, IPL नहीं है ना, ये ईजी रन नहीं है ना, कोई छोड़ता नहीं है ना इतने वेरिएबल, तो टेस्ट क्रिकेट का मज़ा लीजिए। और पिच की जो है बाउंस चौथे दिन जो है, चौथे दिन ये भी पता चल जाएगा कि भाई पाँचवें दिन कितना ख़राब होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है टीम इंडिया जो है अपनी जो फाइटबैक जो लगातार कर रही है उस फाइटबैक को बरकरार रखेगी। आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि मौसम और पिच इस मैच पर कितना अफेक्ट डाल सकता है, ठीक है, और लगातार मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।